नमस्कार। आपके सामने एक और पोएम लिख के आई हूँ, मेरे मुल्क के बारे में, और कुछ पंक्तियाँ जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, सुनिएगा। मेरा दिल गंगा जल की तरह साफ था, मेरा दिल गंगा जल की तरह साफ था और कुरान शरीफ की तरह पाक था। मेरा दिल गंगा जल की तरह साफ था, कुरान शरीफ की तरह पाक था। मैं ढूंढती रही सराफत इस जहां में, मैं ढूंढती रही सराफत इस जहां में, मुझे गिराकर हर कोई आगे बढ़ता रहा। क्या यही इंसाफ था, क्या यही इंसाफ था? मेरा दिल तो गंगा जल की तरह साफ और कुरान शरीफ की तरह पाक था। कहते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत पनपती है, कहते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत पनपती है वहां पे खुदा की इनायत बरसती है, वहां पर खुदा की इनायत बरसती है। तूने बड़ी बेरहमी से मुझे तोड़ा, तूने बड़ी बेरहमी से मुझे तोड़ा, क्या यही तेरा इंसाफ था? मेरा दिल तो गंगा जल से भी साफ था, कुरान शरीफ जैसा पाक था। मेरा दिल हमेशा यही कहता रहा, किसी चीज का गुरूर मत करे इंसान, किसी चीज का गुरूर मत करे इंसान। एक दिन सबको मिट जाना है, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है, जो जहां से आया उसको वही जाना है। इस जहां में कोई ठोर है न ठिकाना है, इस जहां में कोई ठोर है न ठिकाना है, मत कर ए इंसान गुरूर। हर कोई ये पूछता है कि इंसानियत कहाँ रहती है, हर कोई ये पूछता है इंसानियत कहाँ रहती है, मंदिर में रहती है या मस्जिद में रहती है, या गुरुद्वारा में, या मेरी काशी में गंगा बन के बहती है। हर कोई पूछता है इंसानियत कहाँ रहती है। मेरा जवाब भी बड़ा लाजवाब था, मेरा जवाब भी बड़ा लाजवाब था, ए खुदा ये बता मेरा क्या कसूर। मेरा दिल तो गंगा जल की तरह साफ और कुरान शरीफ से भी पाक था, मेरा दिल गंगा जल से भी साफ और कुरान शरीफ से भी पाक था। कुरान शरीफ को मैंने सजदे किए, कुरान शरीफ को मैंने सजदे किए और गीता पे हाथ रख के कसम खाई, कुरान शरीफ को मैंने सजदे किए और गीता पे हाथ रख के मैंने कसम खाई, ये मुल्क मेरा है, ये वतन मेरा है, यहाँ वतन में रहने वाले सभी मेरे बहन और भाई, यहाँ वतन में रहने वाले सभी मेरे बहन और भाई, कुरान शरीफ पे हाथ रखकर मैंने ये कसम खाई। क्यों अपनी इंसानियत बेच खाई लोगों ने, क्यों अपनी इंसानियत बेच खाई? जिस्म खाक से बना था और खाक में ही मिल जाना है, जिस्म खाक से बना था और खाक में ही मिल जाना है। मेरा दिल कुरान शरीफ सा पाक है और गंगा जल से भी साफ है। मेरे वतन में रहने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, मेरे वतन में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने ही भाई भाई। दूसरा जो वतन है वो